कौन आया? इतनी नीचे की चाबियां करने के बाद भी घंटे बजते हैं, सरीता होएगी। कौन है? बॉल यहाँ पर आई है। बॉल आई है? नहीं मिलेगी। कहाँ आई है यार? रुक जाओ, मैं लाइट जला के देखती हूँ। कौन से कलर की है यार? किस तरफ गिरी है? बॉल दिख ही नहीं रही कहीं। ये रही। ये लो, बॉल से अपने दिन याद आ गए। वैसे तो गाइस आप लोगों को पता नहीं होगा, ये बात किसी को भी नहीं पता, मैं अपने टाइम में अपने स्कूल में क्रिकेटर थी। एंड हम लोगों की गर्ल्स की टीम थी पूरी 11 लोगों की। एंड हम लोग मैचेस पे जाते थे तो प्रॉपर हमारे मैचेस होते थे। तो ये मेरी बात है एट्थ नाइन्थ क्लास की बात है। तो मेरी पूरी टीम बनी हुई थी एंड मैं वैसे मैं बॉलर भी थी, मैं बैटर भी थी, मतलब मैं दोनों ही चीज़ें करती थी। एंड मैं स्पिन बहुत अच्छी बॉल करती थी तो बहुत ही सही मैं खेलती थी। एंड गली में भी मैं बहुत खेलती थी। जितने भी लोग यहाँ पे पुराने रहते हैं सबको पता होगा, सारे लड़के होते थे और सिर्फ मैं होती थी, खेलती थी और इधर उधर सबके घरों में बहुत जाती थी, कांच टूटते थे। तो ये बात मैं आज ब्लॉग्स में बता रही हूँ, पर किसी को भी नहीं पता है। जो बहुत पुराने मतलब गली के लोग हैं अगर इस गली में, तो उनको पता है कि मैं कितना खेलती थी गली में। बहुत मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ शुरू से ही, तो बैडमिंटन खेलना भी मुझे बहुत पसंद था। मैं बहुत बैडमिंटन खेलती थी, क्रिकेट बहुत खेलती थी। तो मेरी वाइट कलर की पूरी जर्सी थी मेरी क्रिकेट की, एंड प्रॉपर लेदर की बॉल से ही हम लोग खेलते थे। मेरा बैट भी है मेरे पास, वो शायद मैंने ऊपर रखा हुआ है। और इवन हम छत पे भी खेलते थे, बहुत खेलते थे। मैं, नकुल, भावेश और मेरी बुआ का बेटा आ जाता था चिराग, मीनू जी का बेटा आ जाता था ऋषभ, और हम लोग सारे के सारे खेलते थे। एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं सबको हराती थी और सब तरसते थे कि मतलब दीक्षा को टीम मिलेंगे, दीक्षा को टीम मिलेंगे, दीक्षा को हम टीम में लेंगे। तो ऐसे होता था। तो बहुत खेला मैंने, बहुत। और ऐसे ही हम बस सबसे बेल मार मार के बॉल्स मंगवाते थे कि आपके घर बॉल गई है, प्लीज़ दे दो। और गली के यूजुअली लोग अच्छे थे तो सारी चीज़ें रहती थी बढ़िया, बस हमारे यहाँ पे अम्मा ही डांटती थी। तो अम्मा के डांटने की वजह से हमें बाकी लोग बहुत सुनाते थे कि आप अपने घर के बाहर तो खेल नहीं सकते हो, आपकी खुद की दादी डांटती है तो हमारे घर के बाहर खेलते हो। तो वो हमें बहुत ताने सुनाते थे कि हम अपने घर के बाहर नहीं खेल सकते होते थे क्योंकि अम्मा बहुत डांटती थी, बहुत। तो हमें हमेशा किसी ना किसी और के घर के बाहर खेलना पड़ता था। भावेश ये ले आया है साइकिल पे लगाने के लिए, तो अभी इसको एक ही मिला है। अब नेक्स्ट टाइम जाएगा तो ये दूसरा भी ले आएगा, तो चंचली की साइकिल पे भी लगा देंगे। तो चलो नीचे चल के साइकिल पे लगाते हैं मोबाइल स्टैंड, और मैं इससे पूछती हूँ कि ये कितने का लाया है। कहाँ है? जिस मर्जी पे लगा दे, चलानी तो दोनों ही है। कितने का आया? तूने क्या करना? मेरे को बेचना है 450 रुपए। ये बेचने वाले रेट है, ये पूरा पक्का बन गया है। क्या सोच रहे हो आप लोग? ये वो रेट नहीं बताएगा जिसपे ये लाया है, ये वो रेट लाएगा जिसपे बेचना है। मस्त है वैसे साइकिल, मेरे को बड़ी पसंद आई अपनी साइकिल। कहाँ पे लगाऊं स्टैंड वाले? अरे ऐसे होने का, तेरे फ्रंट व्यू भी चाहिए? मेरा फोन ऐसे कैसे लगेगा? ये मतलब ये जो है इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। बस इसको इधर फिट कर रहे हैं, बस इसमें ये होगा कि फ्रंट कैमरा ही दिखेगा, तो मैं ही आपको बक बक करती हुई देखूंगी चलाती हुई। लाइट नहीं लाया ये टायरों पे, मैंने इसको बोला लाइट भी लेके आई हूँ टायर्स के लिए। पैसे दिए तूने? पैसे तो मैंने तेरे को इसके भी नहीं दिए। ये होगा तुझे साइकिल तो मैं भी चलाऊंगा, कॉल वॉल पे काम आ जाएगा मेरे। नहीं तेरा फोन थोड़ी लगाऊंगी मैं, या मेरा लग रहेगा। हो गया, मैं जाऊं ऊपर। एक जा। चल ठीक है, अब इस पे लाइट और लगवा दो फटाफट। ये चार्ज कैसे, ये कैसे चार्ज होएगा इसको? कुछ भी बाइक के लिए मतलब
स्कूटी बाइक है जो बैटरी वाली वो साइकिल आती है उनके लिए होता है। अरे मतलब ये उसमें कनेक्ट कर देते तेरे तेरे समझ के बाहर है वो समझा ना वो कनेक्ट कर देते उसमें जिससे भी कनेक्ट कराएगी ना वो बिजली वाला कनेक्ट कर देगा या स्कूटी या बाइक वाला तो मेरा फोन चार्ज कैसे होगा इससे चार्ज बैटरी वाली स्कूटी ले या बैटरी वाली साइकिल से होगा। अच्छा नहीं तो यहाँ से चार्ज होगा यहाँ लगाऊंगी तो नहीं यूएसबी वायर है इसके नीचे पोर्ट है अच्छा ये तो पूछ रही हूं मैं यूएसबी पोर्ट अच्छा यहां पे यूएसबी केबल लगा तो पूछ रही हूं मैं कि ये चार्ज कैसे होएगा यूएसबी केबल। चल ठीक है अब इसको वापस लगा दे अंदर खड़ी कर दे और वो नहीं बैठ नहीं चाहे चाहे मैंने बना लिए फटाफट से मैक्रोनी बॉइल थी एंड ओ भाई साहब कितना ज़्यादा ऑयल लग रहा है एक्चुअली मलाई भी डाली है मेयोनीज भी डाली है फिर बटर भी डाला है और स्वीट मॉम सो रही है भावेश ने खाई है दाल मखनी। स्वीट मॉम जैसी उठेगी फिर फटाफट से चाय प्रिपेयर करेंगे एंड बांट के आएंगे चाय। भावेश आज चाय के साथ बांटने के लिए क्या लाएगा कुछ भी फैन ही ले आ चाहे रस ले आता हूं फैन कम पड़ेगा कम तो जो लाएगा वो ही पड़ेगा क्योंकि जितना मर्जी बांट लो कम तो पड़ता ही है। रस से ज्यादा फैन अच्छे से खाए जाते हैं मतलब मैं रस नहीं खाती इसलिए मुझे लगता है और मेरे फैन फेवरेट है। मेरी मैक्रोनी हो चुकी है रेडी खाती हूँ और आज सोऊंगी जल्दी क्योंकि कल के लिए एडिटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है। बोल दो हेलो जीजू का है सोने का जीजू का है ताई से पूछना ताई से पूछ जीजू आए तो बात कराइयो जीजू आए तो बात कराइयो ठीक है ताई से तो पूछ ले ताई को कह रहा ताई क्रिकेट खेलोगी कल गाइस हम लोग प्लान कर रहे हैं कल क्रिकेट खेलने का मेरा मन कर गया अब जब से सामने वालों की बॉल आई है ना हमारे अभी बॉल आई थी इनकी बालकनी में मुझे भी नहीं पता अब तो मैं खेल पाऊंगी या नहीं। पहले मैं इस लड़के को हरा देती थी सच बताइयो भावेश सच बताइयो अब ये नहीं बताएगा मासी का पारा पर आया आज मासी को पारी करो मासी घूमने के लिए आई है हार घूमने जाएगी तैयार हो माशी को हगी करो हगी हगी करो आ मैं नूने नूने को हगी मेरा इतना पारा क्यों आया कहाँ जाना है इसको बाहर घूमने घूमी घूमी चलना है। अच्छा हेलो बोल दे हेलो हेलो बोल दे हेलो अरे मन्ने कर दे मन्ने मन्ने तू कर दे मन्ने मन्ने अच्छा मासी को पारी कर दे पारी 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 आओ चलो ये दोनों जा रहे घूमने मुझे छोड़ के पापा ले आएंगे इसको नहीं मैं भावेश ने फैमिली ग्रुप पे वीडियो भेजी कि हिटलर फादर गुल्लू को लेके आ रहे हैं तो चलो बालकनी में देखते हैं अभी तक तो कोई भी नहीं दिख रहा दिख ही नहीं रहे सोना या सीरियल देखना दो चीजें। सरिता कहती आंटी को क्या हुआ है मैंने बोला कह रही है हंसने लग गई कह रही क्या बोल रहे हो हिटलर फादर एंड गुल्लू आ गए हैं तो चलो नीचे चल के देखते हैं। वो आ गए पापा ने उसको उठा ही लिया क्या नहीं ओहो सोनिका आ गई सोनिका भी आ गई यार अच्छा वाला गुल्लू और पापा आ रहे थे मेंटल जड़ी सोनी का बहन तू क्यों आई मैं पापा और गुल्ला की वीडियो बना रही थी मुझे नहीं पता था तुम पे ही मोबाइल है ये देखो कौन सा मोबाइल ये देखो एप्पल तो नहीं है कौन सा है ये तुम क्या सोचती हो बहन तेरे मोबाइल से बड़े बड़े कैमरा है इस मोबाइल के क्या सोच रही है तू मेरी शक्ल से भी बड़े हैं बहन शक्ल से गुल्लू को देख गिर ले अपना मोबाइल ले ले किसी को मत दियो फेंक दे नीचे ये लड़का पसंद है जिसमें अच्छा कौन सा एक्टर है चल भाई चल गुल्लू अब कल्टी होने हम जा रहे हैं गुल्ला माजी का पारा पारा न्यू फोन दिखाना फोन दिखाना गुल्लू गुल्लू फोन दिखा दे अपना
तो फिर इसको छोड़ा था एक ही बस इतने चलो मेरे वैसे ना गुल्लू को फेंक के आते ऊपर नानी को बताते हैं नानी न्यू फोन खरीदा है हमने मम्मी बहन तू इतने बी प्राक के गाने सुन ताकि कल तेरे कॉन्सर्ट के लिए तेरा होमवर्क हो जाए नानी 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 न्यू फोन खरीदा है हमने गुल्लू नानी को दिखा क्या फोन फोन दिखाएंगे बाबू आ नानी को दिखाएंगे इसका फोन है गुल्लू का पापा ने दिया इसको ब्राइट नाइट है ओ, ले तेरा तू तो तेरा तो मेरे से भी सुतरा है मेरे से बड़ा भी दिखा है हाँ देखा आपके फोन से बड़ा फोन है इसका कैमरे देखो चल भी रहा है क्या और क्या याद तो रहा लड़का बना हुआ और क्या चल आगे नहीं आवेगा गुल्लू फोन ले ले अपने नानी से ले बाबू ले कैसे कैसे चला ले किसने दिया आपको फोन गिफ्ट किसने दिया ये नानू हर चीज मम्मी चलो अब चला लो बाय मैं जा रही हूँ मेरे को बैग चेक कर ले यार ताई हमारा बैट का रखा है यहाँ रखा होता ना तुम्हारे यहाँ मेरे को याद है इसके ऊपर होगा नहीं दरवाजे के पीछे देख मम्मी 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 इसको नया फोन मिला है गुल्लू बाय बाय गुल्ला हम जा रहे हैं साइकिल चलाने हाय बेचारी शूज लेके आ रही है मम्मा पा जाना है हाँ इसकी मम्मी और मैं साइकिल चलाने जा रहे हैं इसको पकड़ लो आप चलो भाई सोनी पर मैं जाते साइकिल चलाने इतने हिटलर फादर चाय चढ़ा रहे हैं चाय आप बना रहे हो क्या कि अभी पानी तो रखा ही है चलो फिर हम जा रहे हैं हमें कॉल कर देना उसी मंदिर चाय में पानी पानी आ जाओ तुम दीक्षा हाँ आधे घंटे यार निकू की हेल्प करानी है ले जाने हाँ तो मैंने क्या बोला है तो मैं ही कह रहा हूँ आधे घंटे वो ले जाएगा स्कूटी पे आगे मिल हम मंदिर पे जाएंगे सामान भी है आधे घंटे तक आ जाएगा नहीं साइकिल स्कूटी चला चला के साइकिल हल्की लगती है और इस मैडम का फोन भी यहाँ लग गया है इसको मैं दे रही हूँ नई साइकिल चंचली वाली चलाऊंगी मैं मैडम जी को चाहिए बहन अभी तो बहुत आगे है टक्कर पे है यही पहन रखा है ना तो बहन मैंने भी पता नहीं मुझे क्यों लग रही है कैसा लग रहा है साइकिल एक्सचेंज करनी है करके देख ले थोड़ी ज्यादा स्मूथ है चंचली वाली ये ले ये वो है बैटरी वाली स्कूटी से कनेक्ट करके फोन चार्ज करने के लिए ये ले देखो एक्सचेंज करनी है तो ये ले ये देखो स्मूथ लगेगी चंचली वाली नहीं मेरे को लगाना नहीं है पर बहन साथ भी तो बहन ऐसे कौन लेके जाएगा पानी पी ले कैसा लग रहा है कि बॉडी कितनी अकड़ी हुई है मतलब एकदम ठंड में भी ना पता लग रहा है मेरे को आदत नहीं है मेरे को ठंड में क्या मेरे को ठंड नहीं लगती मेरे को गले में लगता है मेरे को खांसी होती है सांस फूलता है तो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे हम वो सांस मुंह से लेते हैं राइट तो मेरे को तो ये प्रॉब्लम होती है साइकिल चलाने में अब जैसे मेरे को हल्का हल्का सा ना जैसे कोल्ड अब देखो यहाँ से देखो यूटर्न लेके ब्रिटानिया लेके चलती हूँ पागल है मैं तो बस सोनिका भाई हिम्मत मत हार नहीं हिम्मत नहीं बिल्कुल सीधे ट्रैक पे चलाइए तूने मुझे लग रहा है कि जैसे बूट्स एक तो बूट्स पहन के मेरी क्रॉक्स पहन ले नहीं बूट्स पहन के आने चाहिए हां बूट्स बाइक चला रही है तू बुलेट मतलब वो शूज पहन के आने चाहिए चला चलाएं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ डे 1 इट वाज गुड हां यस साइकिल तो अंदर रख दे गेट तो खोलो कह रही है गेट तो खोल दो चाय पीने का मन है किलो चुकी पार्क सोनी का मैम आई है संगवाने तो ये मैडम करनी है जगह खाली यार ये चप्पलें हमारी बची हुई है क्या सोनी का कौन सी
ये सब तुम्हारा है। इसको वो ना दे ना दे गरीबों में, और क्या देना ही चाहिए था। पापा से पूछती हूँ आज, हमने बाकी तो सारी बांट दी थी।